हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ओमान वर्सेज अफगानिस्तान T20 का, और ये मैच खेला जाएगा आपको ओमान वर्सेज अफगानिस्तान ए के बीच में। देखो भाई, ये मैच हम लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक रहेगा, क्योंकि इस मैच में हम लोग क्लीन स्वीप करके जाएंगे और बेहतरीन टीम बना करके जाएंगे। सारा कुछ इस वीडियो में इंक्लूड करके देने वाला हूँ, जो अपनी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई इस मैच में हम लोग अच्छा खासा विनिंग करके जा सकते हैं और अच्छी खासी फिनिश करके जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ कवर करेंगे जिससे अपनी टीम अच्छी खासी रैंकिंग फिनिश करके जा सके। साथ में चाहे वो GL हो या फिर SL हो या फिर हेड टू हेड हो, सभी में अपनी की टीम अच्छी खासी रैंकिंग फिनिश करेगी, ठीक है ना भाई। क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग तगड़ी से तगड़ी फिनिश करेंगे। और देखो, यहाँ पर अगर हम लोग को अच्छा फिनिशअप करना है तो हम लोग के लिए कुछ खिलाड़ी होने चाहिए जो पॉइंटर के तौर पर काम आ सके, और उस खिलाड़ी को हम लोग लेकर चलेंगे तो अपनी टीम की रैंकिंग अच्छी खासी बनेगी, ठीक है ना। उस पर हम लोग कवर करेंगे और साथ में बात करेंगे आज के मैच में हम लोग टीम कैसे बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन प्लस कितने खिलाड़ी कम्बिनेशन करना है, उसे हम लोग अपने टीम में लेंगे और फिर अपनी टीम की रैंकिंग अच्छी खासी फिनिश होगी। लेकिन भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के मैच में जो हम लोग कम्बिनेशन करेंगे ना, वो कम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर आना है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ है तो देर मत करो, फटाफट से टेलीग्राम पर आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको मिलती है बेहतरीन टीम और बेहतरीन जानकारी। क्योंकि यहाँ पर भाई हम लोग खतरनाक से खतरनाक और प्रॉफिट वाली टीम लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर सारा कुछ अपडेट आपको देने वाले हैं, ऐसी चीज़ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ में आपको फिनिशिंग टीम भी देखने को मिलती है भाई, ऐसी टीम जो आपके लिए वाकई अच्छा खासा काम करके आती है और फिर हम लोग कितना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के जा रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर हम आपको बैक टू बैक विनिंग वाली टीम दे रहे हैं। टेलीग्राम पे कैसे आना है, जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से टेलीग्राम पर जाओ और चूज कर लो भाई, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर आ जाओ, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में ना, जो खेला जाएगा ओमान वर्सेज अफगानिस्तान ए के बीच में। सबसे पहले हम लोग का जो फोकस होगा वो होगा आज के मैच के पिच पर, पिच कैसा है और किसके फेवर में काम करेगा, बैट्समैन फेवर में या फिर बॉलर के फेवर में, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करेंगे, जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन प्लस पिच का भी है और हेड टू हेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ स्टेट्स के एनालिसिस पर बात करेंगे, फिर अपनी टीम बनाएंगे। जहाँ तक बात कर ले रिसेंट लास्ट 5 मैचों का, तो देखो यहाँ पर ओमान का बात कर लें तो ओमान यहाँ पर 2 मैच खेल गई है डोमेस्टिक का, और दो मैच में यहाँ पर जो है ना भाई, दो मैच में से एक मैच विन है और एक मैच लॉस है। और अफगानिस्तान ए का बात कर लें तो अभी तक ये T20 डोमेस्टिक मैच नहीं खेली थी, जो कि इनका पहला मैच होने वाला है। ये मैच कहाँ खेला जाएगा, तो मैच खेला जाएगा ओमान में, और ओमान का जो ग्राउंड रहेगा वो रहेगा बॉलिंग फ्रेंडली, पेसर के लिए काम करेगा, बारिश होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और एवरेज रन्स आपको 131 देख रहे हैं, 61 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें से पेसर को 34 और स्पिनर को ना भाई यहाँ पर देखोगे तो 27 विकेट मिले हुए हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर कुछ खिलाड़ी होंगे जो टॉप खिलाड़ी पर्पज़ से आज के मैच में रह सकते हैं, वो सभी खिलाड़ी को हम लोग चूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि वी शुक्ला आपको पहले नंबर पर, एफ शाह और फिर डब्ल्यू अली देखने को मिल जाएंगे, और अफगानिस्तान की तरफ से आपको डी रसोली और के जन्नत और यहाँ पर ए गजनफर को देखने को मिल सकते हैं। ये आज के मैच में टॉप खिलाड़ी रहेंगे और हम लोग इसे एज अ फिक्स खिलाड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका परफॉर्म बहुत तगड़ा रह सकता है और हम लोग इसे अपने टीम में 100% रह के चल सकते हैं। अच्छा खासा परफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं बैटिंग ऑर्डर किस कर रह सकता है, तो बैटिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं वी शुक्ला का और जे सिंह, और फिर बात कर लें यहाँ पर के रजापति या फिर आपको एस खान, इनका बैटिंग ऑर्डर 1-2-3 इस प्रकार रहने वाला है, ठीक है भाई। अब जहाँ तक बात कर लें अफगानिस्तान ए का, तो अफगानिस्तान ए का देखोगे तो पहले नंबर पर आपको एस अटल, दूसरे नंबर पर आपको एच ईशा खेली, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आज के मैच में के जन्नत आ सकते हैं या फिर आपको जैड अकबरी भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार बैटिंग ऑर्डर भी रह सकता है। फिर अब हम लोग बात करेंगे आज के मैच में ना कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करके चलेंगे, कौन सा खिलाड़ी हम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम आपको टोटल 4 खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग यहाँ पर करके जा सकते हैं। जैसे आपको टीम वन में क्या करना है, ए पथवाले को और यहाँ पर एस खान को, ये 2 खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो, क्योंकि ये आज के मैच में बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी टीम में क्या करना है आपको, डी रसोली को और के जन्नत को, ये 2 खिलाड़ी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना, लॉजिकली ये हम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है और हम लोग इसे अपने टीम में लेकर चलेंगे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के पर्पज से, ठीक है। क्योंकि इनका परफॉर्म आज के मैच में बहुत तगड़ा रहेगा और ये जो खिलाड़ी होंगे ये आज के मैच के ना बेस्ट पिक रहेंगे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के पर्पज से, तो जरूर इसे अपनी टीम में लेकर चलना, अच्छा खासा परफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग आज के मैच में हम लोग के लिए भाई एज अ पंटर पिक कौन सा रहेगा और कौन सा खिलाड़ी हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उस खिलाड़ी को हम लोग यहाँ पर एज अ पंटर पिक लेकर चल सकते हैं। तो टोटल हम आपको यहाँ पर ना 4 खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर चल सकते हो एज अ टॉप खिलाड़ी के नहीं, एज अ पंटर खिलाड़ी के तौर पर। जैसे मान लो कि एम इसाक, के रजापति और डब्ल्यू अली को, इस 3 खिलाड़ी को अपने टीम में टीम 1 में इंक्लूड करके चलना, ठीक है।
और दूसरे टीम में इंक्लूड करना जैड अकबरी को, इसे भी हम लोग अपने टीम में लेके चलेंगे, इनका भी परफॉर्म बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो ये हमारे लिए हो जाएंगे एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, और पंटर खिलाड़ी के तौर पर भी हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। गेम चेंजर खिलाड़ी भी हम लोग के लिए यही खिलाड़ी रहने वाला है, तो इसे हम लोग अपनी टीम में जरूर इस्तेमाल करेंगे भाई। चार नहीं तो कम से कम तीन खिलाड़ी को तो जरूर यूज करना अपनी टीम में, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी परफॉर्म बहुत तगड़ा रहने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग अब टीम कैसे बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे यूज करना है वो जरा सा देख लें। तो हम लोग फिलहाल यूज करेंगे भाई यहाँ पर 5-6 का कम्बिनेशन, जिसमें से विकेट कीपर के तौर पर एक विकेट कीपर पी अथवाले को, और बैटर में हम लोग यहाँ पर तीन बैटर यूज करेंगे, डी रोसेली को, एस खान को, के प्रजापति को, ठीक है ना। और ऑलराउंडर में हम लोग यहाँ पर चार ऑलराउंडर यूज करेंगे, ए खान को, के जन्नत को, और एस कमाल को, और डब्ल्यू अली को। बॉलर में हम लोग यहाँ पर तीन बॉलर यूज करेंगे, क्यू अहमद को, और यहाँ पर ए रहमानी को, और यहाँ पर ए गजफन अपने टीम में होंगे। फिलहाल कैप्टन हमने यहाँ पर के जन्नत को, वाइस कैप्टन ए खान को बना के रखा हुआ है। हालांकि हम लोग दूसरे टीम में डी रसोली तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ पर ए पाथ वाले की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखो भाई ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम ना हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आ जाओ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।